हेलो फ्रेंड्स, आलू के स्नैक्स खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही चटपटी और बहुत ही झटपट से बन जाती है ये आलू के स्नैक्स, बहुत ही चटपटी से स्वाद में बनकर के तैयार हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया कि 3 पीस मीडियम साइज के आलू, जो लंबे लंबे आलू होते हैं ना, वही आपको आलू ले लेने हैं। तो यहाँ पर अच्छे से छील करके इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वॉश करने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो 1/2 कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लेना है और इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्लाइस में आपको कटिंग कर लेनी है। तो लंबे आलू जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग भी होती है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रेंच फ्राई वगैरह जो आप जो खाते हो ना, तो वो भी लंबे ही आलूओं का ही बना होता है। तो वो उससे ना, फ्रेंच फ्राई अगर आपकी बिल्कुल फेवरेट है तो आप ना इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि फ्रेंच फ्राई आप खाना भूल जाएंगे, इतनी ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी, उससे भी ज्यादा ही चटपटी बनती है ये। तो इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। अगर आप चॉपिंग बोर्ड में नहीं कट कर सकते हैं तो हाथ में आप रख करके इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप कटिंग करेंगे हाथों पे रख करके ना, तो बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाएगी। तो लंबे लंबे आपको ज्यादा मोटे भी नहीं करना है, ज्यादा पतले भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की थिकनेस मैं रख रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको रख लेनी है, यानी कि 1/2 इंच से ही थोड़ा सा कम हमें रखना है, ज्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे स्टीम वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली ही हम इसे इस तरीके से मसाले में लिपटेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से क्या किया, इसे मैंने जितने भी आलू आपको बनाने हो ना नाश्ते, तो आप इस तरीके से चॉप कर लीजिएगा, एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लीजिए और उसके बाद इसे 2-3 पानी से अच्छे से आप ना इसे वॉश कर लीजिएगा, जितने भी स्टार्च होंगे ना इसके सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने धो दिया है और इसी के स्टार्च बहुत सारे निकल गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से आलू ड्राई भी हो चुकी है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला को स्प्रिंकल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक को स्प्रिंकल कर लिया है। तो नमक, ये सॉरी, मसाले जो आप जो भी स्प्रिंकल करेंगे ना, तो इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं फैलाते हुए कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इस तरीके से आप हाथों पे स्प्रिंकल करके ही डालिएगा, क्योंकि सभी आलूओं में इक्वल से हमें बराबर से लगना जरूरी है, इस तरीके से, है ना। अब इसमें डाल दीजिएगा 1/2 चम्मच ना भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 टेबल स्पून डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर। अगर गरम मसाला पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ना पाव भाजी मसाला हो या छोला मसाला हो, कुछ भी ऐसा मसाला हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास आपको ना हरी मिर्च का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके कटिंग करके इसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 1/2 चम्मच ना चिकन मसाला यूज़ किया है। चिकन मसाले से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, एक बार डाल करके देखिएगा, बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर आता है इसमें। तो थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर भी इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया है। ये लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी थोड़ा सा मैंने डाला है 1/4 टेबल स्पून। अब इसके ऊपर से ना बिल्कुल चटपटे स्वाद में बनाने के लिए हमें यहाँ पर डालना है धनिया पत्ती और पुदीने की चटनी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप इसके बिना भी आप बना सकते हैं। अगर ये नहीं तो टोमेटो केचप हो तो थोड़ा सा 1 चम्मच आप वो भी डाल सकते हैं, एक अच्छा सा, एक टैंगी सा, अलग सा स्वाद आएगा इसमें। तो चलिए अब इसे क्या करना है, इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी मसाले और ये जो चटनी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे क्या करना है कि इसके ऊपर से हमें क्रंचपन लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का यूज करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट पाउडर हो तो वो आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है ना, तो आप क्या करें, चावल का आटा डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी और करारा बन जाता है। तो बस 1 ही चम्मच हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब 1 चम्मच भर करके डालेंगे मैदा। तो मैदा तो हर घर में अवेलेबल होती है, तो बस मैदा आप डाल दीजिए 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोनों चीज़ डालने से ना बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनता है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो क्या करना है कि ना आपके पास पोहा होगा ना, यानी कि चूड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो आप ना 2 चम्मच या 3 चम्मच आप ले लीजिएगा और मिक्सर जार में उसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल
पानी बिना पानी के ग्राइंड करके इसको पाउडर बना लीजिए और उसके बाद इस यहाँ पर डाल दीजिए, वो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी उससे भी बन जाती है। तो मैंने आपको बहुत तरीके की चीज़ें मैंने बताती जा रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी आलू। अब यहाँ पर तेल को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर से ना थोड़ा सा हम मैदा या कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेने से क्या होता है कि ऊपर की लेयर जो होती है ना बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाती है, जब ऑयल में डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी होगी और ज़्यादा इस हमें क्रंचपन मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने टॉस कर लिया है, थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा हमें चम्मच नहीं चलाना है ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने इसमें डाला है ना बस मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तो अब इसे क्या करेंगे ये देखिए इस तरीके से है ना उठाएंगे और ऑयल में डीप करते हुए चले जाएंगे। ऑयल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको जैसा भी चाहें आप यहाँ पर फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए एक एक पीस बिल्कुल हटा हटा करके डालिएगा ताकि एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं और बिल्कुल आसानी से वही ये क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा आप इस तरीके से पैन को हिलाएंगे ना तो स्पेस बनती जाएगी और आप जहां जहां पर स्पेस हो वहां पर आप इसके डिप कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स बहुत ही झटपट से बनती है और बहुत ही चटपटी और बहुत ही चटाकेदार बनती है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ना ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त का ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। कोई जब भी कोई ऐसा नाश्ता आपके पास घर पे नहीं हो तो आप इस नाश्ते को तैयार करके टी टाइम स्नैक्स आप तैयार कर सकते हैं और किसी भी को आप सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे आपको फ्राई करना है, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये कलर आ चुका है, फ्राई हो चुकी है आलू भी है, अच्छे से ये अंदर से कुक हो चुकी है, पक चुकी है और ऊपर की लेयर बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो इस तरीके से ऑयल को साइड में करेंगे ना आप चम्मच को तो बहुत आसानी से ऑयल निकल जाएगी और आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितने भी आपको बनाने हो इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेने हैं। तो मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि बहुत गर्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं टच नहीं कर पा रही हूँ देखिए, लेकिन आपको तोड़ करके मैं दिखाती हूँ ज़रूर से। ये तो ये देखिए देखिए अंदर की लेयर देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और ऊपर की बहुत ही क्रिस्पी और करारी बन के तैयार हो गई है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।